स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो मैंने डिफिनेशन से ये चीज़ें यहाँ पे लिख ली, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, ग्राम ऊपर इक्विवेलेंट वेट नीचे, यानी वेट ऊपर इक्विवेलेंट वेट नीचे, तो वहां से आ गया हमारा W अपॉन E इंटू वी। उसी तरीके से मोलैरिटी इज इक्वल टू हो गया N बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 2 बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया मैंने, 1/2, यानी नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन E इंटू वी इंटू वी बाई N। जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये ऊपर जाके उलट जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया बच्चों W अपॉन E इंटू N। उसके बाद देखिए नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू डब्ल्यू बाई मॉलिकुलर वेट, डब्ल्यू बाई मॉलिकुलर वेट एन को हमने कहा, यहाँ पे देखिए मोल बराबर क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो फिर डब्ल्यू से डब्ल्यू, लेकिन हमने यहाँ भी नहीं काटा, देखिए डब्ल्यू इंटू, देखिए डब्ल्यू इंटू मॉलिकुलर वेट कहाँ चला जाएगा, ऊपर मॉलिकुलर वेट ऊपर ई इंटू वी, ये आ गया। अब W से W क्या हो गया, कैंसिल आउट। उसके बाद क्या हो गया, मॉलिकुलर वेट अपॉन E, मॉलिकुलर वेट अपॉन E, तो हमने मॉलिकुलर वेट लिख लिया। E की जगह पे क्या हो सकता है, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर, तो ये हो गया मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो मॉलिकुलर वेट से मॉलिकुलर वेट कट गया और N फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू हो गया N फैक्टर, और नॉर्मेलिटी बराबर हो गया मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। तो हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास रिलेशन आ गया, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, इसे याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा यूज में आएगा। तो बच्चों ये फार्मूला नहीं है बल्कि एक रिजल्ट है जो हमने यहाँ से इस तरीके से दोनों को कंपेयर करके बनाया है, यह एक रिजल्ट है, आपको याद रखना है, नहीं तो बार बार ये करना पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू N फैक्टर हो गया। अब एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन में यानी नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू N फैक्टर में ही वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो हमने लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू N फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, याद रखिएगा। एक फार्मूला और हो गया, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, और मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम हमने प्रूव किया था, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल, है ना। आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बराबर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ये भी चाहें तो आप प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से। इंटू क्या हो गया, N फैक्टर, तो आपका जो अगला फार्मूला निकल के आ गया दूसरा, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू N फैक्टर, ठीक है। तो अब हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के एक नहीं दो नहीं बल्कि कितने मेथड हैं, तीन मेथड हैं, तीन रिजल्ट्स हैं, तीन फार्मूले हैं जिससे हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो हम वो रिजल्ट लिख देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम ऊपर इक्विवेलेंट वेट नीचे। अगर वेट दिया हो और आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या करेंगे आप, ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा W बाई E, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो आप उसकी नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम जो होगा वह लीटर में होगा, अगर वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो ही जा करके आपका ग्राम इक्विवेलेंट होगा, अगर वॉल्यूम ml में हो गया तो मिली ग्राम इक्विवेलेंट कहलाएगा ये। उसी तरीके से मोल इंटू N फैक्टर, मोल इंटू N फैक्टर, मोल इंटू N फैक्टर भी क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये तीन रिजल्ट्स याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, ठीक है। आइए इसके बाद अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर। आइए देखते हैं कि नॉर्मेलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 45 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इफ इट इज डिसॉल्वड इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं हम बकेट स्पून कॉन्सेप्ट से कैसे इस प्रॉब्लम को करेंगे। तो ये रहा हमारा बकेट और ये रहा हमारा स्पून। जब मैंने नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने बकेट स्पून कॉन्सेप्ट्स को भी यूज किया था। तो अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो जा करके नॉर्मेलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए। तो क्या है, हमें स्पून में क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, हमें चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ क्या चाहिए बच्चों, 1000 ml सॉल्यूशन, यही वादा होता है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये वादा कर लिए हम बकेट और स्पून से, यही वादा हम कंप्लीट कर दें हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वादा पूरा करते हैं और देखिए आंसर हमारा चुटकी बजाते ही आ जाएगा। देखिए चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ें और जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे हम नोट डाउन करें। यहाँ पे लिखा हुआ 45 ग्राम, लिखा है 45 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4 इज नॉन एज ऑक्जेलिक एसिड।
if it is dissolved in 300 ml of solution and the given solution is 300 ml of solution. ठीक है, आइए दोनों को खुश कर देते हैं. दोनों को खुश करते ही हमारा आंसर आ जाएगा. तो देखिए 45 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब ग्राम ऊपर यानी 45 ऊपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. तो हमने H2C2O4 का एन फैक्टर निकालना सिखाया था आपको कि क्या करेंगे, हाइड्रोजन का ढाल कितना है, दो, तो ये क्या हो गया H+1, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना जाएगा +2. तो मॉलिकुलर वेट हो गया H2C2O4 का 90, कितना हो गया 90 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर. ठीक है, तो ये हो गया आपका 45, तो ये हो गया 45/45 दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो यहाँ पे आ गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट. नाउ द स्पून इज हैप्पी, स्पून पे ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए और हमारे पास आ गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट. आइए यहाँ पे 300 ml ऑफ सोल्यूशन है तो इसको कितना बनाना है, 1000 ml सोल्यूशन. तो मैंने मैथमेटिक्स से पूछा, मैथ ये बताओ कि 300 को 1000 कैसे बनाएंगे. तो मैथ ने कहा मैथ ने कहा बहुत ईजी है, 10/3 से बेटा मल्टीप्लाई कर दो. 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3000 और 3 से डिवाइड करोगे तो 1000. 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000, 3 से डिवाइड करोगे तो 1000. तो 1000 बनाने के लिए क्या किया, 10/3 से मल्टीप्लाई किया. तो आपको पूरा हक है कि 10/3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है, तो 1 इंटू क्या हो गया 10/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 10/3 नॉर्मल सोल्यूशन. यानी नॉर्मलिटी आ गई हमारी 10/3 नॉर्मल सोल्यूशन हमारे पास आ गया. उसी तरीके से देखिए, ये कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ 20 ग्राम ऑफ ए बी सोल्यूशन हुज नॉर्मलिटी इज 5 N. वाह 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 वाह, इसमें नॉर्मलिटी दिया हुआ है और पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी, ए बी का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है बच्चों. देखिएगा, अगर मान लीजिए बेटा नॉर्मलिटी दिया है 5 N, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 5N का मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मतलब हुआ. हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट आ गया. ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, ग्राम ऊपर इक्विवेलेंट वेट नीचे इज इक्वल टू क्या हो गया, आपके पास दिया हुआ 5, तो ग्राम दिया हुआ यहाँ पे देखिए 5 ग्राम दिया हुआ बेटा 20 डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया 5. तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो गया 20/5 दैट इज इक्वल टू 4. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ई बी कितना हो गया 4. तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. इसके बाद हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स पढ़ेंगे कि किसी मिक्सचर की नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं. तो बच्चों मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िए तो ही जाकर के चीज़ें समझ में आएंगे. ओके, धन्यवाद.